implemented to study relationship between frequency and length of a given wire using sonometer. This is the Pareto sonometer है, wedges ने उधर ऊपर वायर जड़ी अटैच की थी और ये उधर नाल weights जड़े ने hanger अटैच है over the pulley और नाल उधर weights जड़े ने अटैच ने अलग-अलग तरह के tuning forks ने इधर वास्ते ऐसे ये rubber pad है जिधर तेरे strike करके vibrations produce करेंगे जब उनको ऐसे इधर तेरे रखेंगे तो vibrations इस box में produce होंगे जिस point पे resonance आएगी उससे पूरा box जड़ा same frequency नाल vibrate करेगा तेरे rider जड़ा fly off हो जाएगा. So 386 hertz की frequency वास्ते 1.5 kg weight जड़ा है का add कितना हुआ है ठीक है. So दे ली जब वैसे ये नु करते हैं rider जड़ा fly off. Now if we'll use another this one, this is 288 hertz. 288 hertz frequency change करेंगे तब frequency change करने दे ना लेती जड़ी length है वो change हो जाएगी. So a 288 frequency तो ये दे विच resonance जड़ी है वो नहीं आएगी. So उधर वास्ते क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट रही है लेंथ शुड इनक्रीज रिलेशनशिप जी इन इनवर्सली प्रपोर्शनल है. सो अलग लेंथ के उपर जाके जी है लेंथ में चेंज करा एंड वो लेंथ फाइंड आउट करा जिसे रेजोनेंस जी आ. सो नियरली वाइब्रेशंस आ रही हैं ने रेजोनेंस पॉइंट की पे नियर बाय है. सो रेजोनेंस इज क्लोज. सो ये जेडी रीडिंग है ऑलमोस्ट 83.5 पे आ जेडी रीडिंग हो आती है. लेंथ ऑफ वायर विल बी 46. लेंथ इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा. वी आर स्टडीिंग रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड टेंशन फॉर अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. कॉन्स्टेंटली वेट्स एड करके टेंशन स्ट्रिंग भी इनक्रीज कर रहे हैं और एक फिक्सड फ्रीकुएंसी वी हैव टेकन 384 हर्ट्स और 384 हर्ट्स के नाल असी रीडिंग्स लै रहे हैं रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं ये विच. लाइक एट दिस पोजिशन फॉर अ वेट ऑफ 1.5 के जी द राइडर इज फ्लाइंग ऑफ. मतलब कि इस रेजोनेंस पोजिशन है इट कम्स अराउंड 30.2 सेंटीमीटर से आ रही है. थर्ड रीडिंग है. सो नेक्स्ट वेट और ऐड करके 2 kg तक रीडिंग होएगी. मैडम चेक करा दो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं गया जे ऐसी दूसरी फ्रीक्वेंसी दा ट्यूनिंग फोक यूज कर रहे हैं ता ए राइडर जड़ा है फ्लाई ऑफ नहीं होएगा उस फ्रीक्वेंसी पे बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी फॉर दिस फ्रीक्वेंसी ये जड़ा हैगा रेजोनेंस पे सेटअप हो रहा है. सो जिमें जिमें टी जरा टेंशन इनक्रीज होंगी जाएगी लेंथ भी इनक्रीज होएगी. टी इज़ प्रपोर्शनल टू एल स्क्वेयर फॉर दिस एक्सपेरीमेंट. टी अपॉन एल स्क्वेयर की रेशियो ऑलमोस्ट कॉन्सटेंट होनी चाहिए है. सो दैट विल कैलकुलेट ठीक है.